नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। पेश है हापुड़ की आज की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ताजी सब्जियों की काट घर बुलाएं, बाजार भाव पर सब्जियां पाएं, देख भाई को कॉल करें 8650607033 पर। करतब दिखाते समय पेट्रोल की बोतल में लगी आग, 8 झुलसे। जनपद हापुड़ के पिलखुआ में पेट्रोल से करतब दिखाने के दौरान आग लग गई, जिससे करीब 8 लोग आग में झुलस कर घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मामला सोमवार रात करीब 11:30 बजे का है, जब पिलखुआ के मोहल्ला गड़ी में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा था। इसी दौरान एक युवक मुंह में पेट्रोल भर कर आग के साथ करतब करने लगा। इसी दौरान उसका साथी पेट्रोल से भरी बोतल लेकर आया और कुछ ही सेकंडों में बोतल में आग लग गई। इस हादसे में कुल मिलाकर 8 लोग घायल हो गए। करतब दिखाने वाले और बुलाने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। जन्माष्टमी पर्व पर पिलखुआ के मोहल्ला गड़ी में आग से करतब दिखाते वक्त हुए हादसे के दौरान 8 लोग झुलस गए थे। मामले में थाना पिलखुआ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सांप के साथ डांस करते हुए एक युवक का वीडियो हुआ वायरल। सांप के साथ डांस करने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोमवार की रात गांव असोड़ा का है, जहां मंदिर के पास निकले एक सांप को देवेंद्र ने पकड़ लिया और उसके साथ डांस करने लगा। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाठी डंडों से लैस एक दर्जन दबंग ने किया युवक पर हमला। हापुड़ के मोहल्ला आर्यनगर में सोमवार की रात करीब 10 बजे लाठी डंडों से लैस एक दर्जन दबंगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया। हमले में अभिषेक त्यागी उर्फ हनी त्यागी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में हापुड़ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क हादसे में 1.5 दर्जन श्रद्धालु घायल। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के अंतर्गत मंगलवार की सुबह नेशनल हाईवे पर एक मैक्स पिकअप में बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में करीब 1.5 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि जनपद अमरोहा के गांव महमूदपुर के निवासी 26 लोग मैक्स पिकअप में सवार होकर राजस्थान के बागड़ वाले बाबा के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थाना सिंभावली और थाना बाबूगढ़ सीमा बॉर्डर पर सड़क किनारे खड़ी हुई मैक्स पिकअप में एक बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण 18 लोग घायल हो गए। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में मुन्नी प्रियंका मुनिपाल को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हापुड़ की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए ई हापुड़ न्यूज़।